जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो हमने आपको दिखाया था, उसमें आधा अधूरा दिखाया था कि कैसे बनता है, क्या क्या लगता है चीजें इसमें। बट जो भी हम दिखाने वाले हैं आपको, इसमें ये दिखाने वाले हैं कि ये ओवरऑल मंदिर अब रेडी हो चुका है और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं एक बार ब्रीफ करूंगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। आपको मैंने पिलर दिखाया था, ये है पिलर, ये स्क्वायर पिलर है। इसमें सारे ने सीएनसी डिजाइन किया हुआ, जिसको हम लोग लैंग्वेज में कहते हैं, अपना ले लैंग्वेज में कहते हैं नकासी, वो किया हुआ है। ये देखिए नीचे ओम भी है, ओम भी जलता हुआ दिख रहा है इसमें। और इसके बाद ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है जय माता दी। ये माता रानी का मंदिर है, इसलिए जय माता दी लिखा हुआ है। आप जिस भी तरह का डिजाइन कराना चाहते हैं उस तरह का डिजाइन करा सकते हैं। जो चीजें आप लिखना चाहते हैं, जो चीजें आपके आस्था से जुड़ा हुआ चीजें हैं, जो आपको चाहिए वो चीजें भी मिल सकता है। ऊपर देखिए, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। इसके ऊपर एक गुंबद आएगा, वो अभी नहीं है, वो आपको और भी दिखाऊंगा बाद में। अच्छा, इसके अलावा ये जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं माता रानी का, ये कोई फोटो या ऐसा कोई चीजें नहीं है, ये कोरियन है, सॉलिड सरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, साउथ कोरिया का मटेरियल होता है ये। इसमें सारा सीएनसी किया हुआ है सारी चीजों में, ये जो आप देख रहे हैं इसमें। ये देखिए दीप है, थाली रखा हुआ है, पूजा का थाली है, कलश है, कई तरह की चीजें इसके अंदर है। जो आपको डिजाइन करना हो, आप चाहेंगे आप कोई मंत्र लिखाने को वो भी कर सकते हैं, नीचे चाहेंगे कोई डिजाइन कराने को वो करा सकते हैं, इस पर अगर आपको डिजाइन करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। और इसके अलावा ओवरऑल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ड्रॉर्स, ये देखिए ड्रॉर्स दिखाइए, ड्रॉर्स दिखाइए, ये ड्रॉर्स देख रहे हैं, इस सारा ड्रॉर्स पे सीएनसी किया हुआ है। इसको हम लोग बेसिकली अगर बात करें इसमें ड्रॉर्स की, तो इसमें ओवरऑल 5 ड्रॉर्स है, आप देख सकते हैं 5 नोब्स भी लगे हुए हैं। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये देखिए वाओ, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया चीज है ये। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे पहला ड्रॉर का, ये जो ड्रॉर है बेसिकली इसका इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि इसमें आप पूजा का थाली, किसी भी प्रकार का भोग या किसी भी प्रकार का आप जीप या दीप या कोई इस तरह का जोत आप इसके ऊपर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। वो इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि इसका अगर कोई रास उड़े दीप का तो वो बाहर ही रहे, मंदिर के अंदर ना जाए, इसलिए हमने बेसिकली इस चीज़ों का कॉन्सेप्ट रखा है। इसके अलावा ये ड्रॉर्स है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर रखने का। ये देखिए ये भी ड्रॉर्स है, ये भी ड्रॉर्स है। तो ओवरऑल मंदिर में ऐसा कोई चीज नहीं है, स्पेसियस है, बड़ा है। इसका साइज अगर हम बात करेंगे, मैं खुद 5.5 फुट के अप्रोक्स का हूँ, ओवरऑल मंदिर ये 8 फुट का साइज है। और इसके अलावा काफी स्पेसियस मंदिर है। और अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ये 5 फुट का, 5 फुट का हाइट में 8 फुट है, काफी बड़ा मंदिर है ये। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आप किसी भी प्रकार का चीज लाइक दीप या कुछ भी जलाते हैं या डिसकलर हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो इस पर बहुत ही बहुत ज्यादा मेंटेन करने की बातें नहीं है। बस आप थिनर लीजिए या घर में कुछ भी जो चीजें साफ करने के लिए होता है, लाइक हम लोग और भी चीजें यूज करते हैं घर में क्लीन करने के लिए, वो चीज आप लीजिए, व्हाइट कपड़ा से इसे आप साफ कर सकते हैं, पूरे क्लीन आपको दिखेगा ऐसे का ऐसे, कंप्लीट व्हाइट मंदिर है। इसे इसमें आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इसको बिना लाइट का देखें तो कैसा लगेगा, वो दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये देखिए ये बिना लाइट का है, ये बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है मंदिर। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किधर दिखाइए कैमरा, मैं लाइट ऑन करता हूँ। ये देखिए ये विदाउट लाइट है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सारा सीएनसी किया होगा। अब मैं विद लाइट दिखाना चाहता हूँ, वाओ गजब, बहुत बढ़िया दिख रहा है, आप देखिए इन चीजों को। और आपको किसी भी प्रकार का मंदिर बनाना हो, मेरा शोरूम जगतपुरी B121 सेनेटरी मार्केट है, मैंने रोड पे शाहरा रोड कहते हैं हम लोग, B121 में आइए, बहुत सारे मंदिर के डिजाइन है हमारे पास। मैं और भी इसके बाद दिखाऊंगा एक दूसरा मंदिर भी इस वीडियो के बाद, और वो अलग ही कुछ है, वो एंटिक पीस इसे कहा जाए, वो है ऑलरेडी एंटिक पीस है, बट वो भी एंटिक पीस है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वो। थैंक यू सो मच।